हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम है दोस्तों आप सबको मेरे चैनल पे एक बार फिर से। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं, काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट्स है, तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो इस वीडियो में मैं वन बाय वन प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करूंगा और आने वाली वीडियो में डिटेल अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूंगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स को इस वीडियो के अंदर ही हम अनबॉक्स भी करेंगे। देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। तो ये है इसका बिल। ये है ली गियर का, ली गियर आर्म स्लीव्स, इसे मैंने मंगवाया है। तो काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी समर स्टार्ट हो चुका है, हम बाहर जब भी अब बाइक पे निकलते हैं तब ये हैंड स्लीव्स को यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेटिंग काफ़ी बढ़िया थी तो इसलिए मैंने इसे मंगवाया है। तो चलिए इसे पहन के देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ स्लीव्स इस तरह से आपको दिखते हैं फ्रेंड्स पहने बाद। सो काफ़ी सेटिस्फाई दिख रहा और सॉफ्ट है क्लॉथ, ऐसा कुछ इरिटेशन महसूस नहीं हो रहा। तो मैंने मंगवाया है ब्लैक कलर में मल्टीपर्पज़ के लिए, मल्टी कलर्स में भी अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हो सका तो लिंक्स दे दूँगा हर एक प्रोडक्ट का, आप वहाँ से प्राइस करंट प्राइस चेकआउट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहन लिया है, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, आपको वीडियो के लास्ट में आप। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये है मोडेस्ट प्लस, ये मोबाइल होल्डर है। बेसिकली काफ़ी मोबाइल होल्डर्स मैं ऑलरेडी परचेस किया हूँ, चैनल के अंदर अनबॉक्सिंग भी किया हूँ, वो भी आपको हो सका तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। MRP है 899 रुपीज़, मैंने इसे ख़रीदा है लगभग कुछ 200 रुपये के अंदर। करंट प्राइस जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन एफिलिएट का लिंक छोड़ देता हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं एक ख़रीदा है सेम मॉडल में, थोड़ा उसमें इसमें फ़र्क है, वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके अंदर हम कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स या विजिटिंग कार्ड्स। तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी रबर की कुशनिंग की गई, यहाँ पे भी की गई, नीचे भी दिया गया है ताकि ग्रिप अच्छा मिले। तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। तो 200 रुपये के अंदर काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट, हेवी है और संभाल लेगा वेट। अभी तक तो अच्छी निकली। तो ये है हमारा प्रोडक्ट नंबर 3, उलांजी ST19 का मोबाइल होल्डर विथ शू माउंट है। यहाँ पर आप अपना शॉटगन माइक लगा सकते हैं, फ्लैशलाइट को भी लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी महंगा पड़ा मेरे को, ऑलमोस्ट 400 रुपीज़, बट ये काफ़ी जाना माना ब्रांड है उलांजी और स्ट्रांग है, इसकी वजह से मैं ये मंगाया। क्योंकि यहाँ पर जब हम मोबाइल होल्ड करते हैं ना, ये रबर कुशनिंग काफ़ी अच्छी है इसके अंदर और ये सॉफ्ट है। तो यहाँ पर भी उलांजी की ब्रांडिंग की गई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर शू माउंट है, शॉटगन माइक लगा सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट नंबर 3। चलिए प्रोडक्ट नंबर 4 को अनबॉक्स करते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट नंबर 4, मैंने इसे ख़रीदा है 359 रुपीज़ में। इसे मैंने मंगवाया है मेरी कार के लिए, कलरफुल एटमॉस्फेयर लाइट्स है। तो MRP की बात कर लिया तो 799 रुपीज़ का है, 350 रुपये के अंदर हमने इसे ख़रीदा है। तो ये है बेसिकली कार के अंदर लगने वाले 4 लाइट्स है, मल्टी कलर लाइट्स है। तो इसकी वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा इंस्टॉल करके। इसे मैंने मंगवाया है मेरी स्विफ्ट डिज़ायर डीजल कार के लिए, तो उसके अंदर फिट करते हैं ये, तब मैं इसकी डिटेल में वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स। रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, ये मल्टी कलर
हमारा जो लेग रूम होता है वहाँ पर हम इसे इंस्टॉल करना होता है। दो तो कार के अंदर दो फ्रंट साइड और दो बैक साइड सीट्स के नीचे ये फिट हो जाते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी ज़बरदस्त कलर्स आते हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इसके मैंने, तभी जाके ये प्रोडक्ट मैं मंगाया है। और बाय द वे जो भी प्रोडक्ट्स मैं बता रहे चैनल के ऊपर, अभी तक कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसे मैंने मेरे खुद के पैसों से ख़रीदा है और काफ़ी रिसर्च करके ख़रीदता हूँ। जब भी कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदता हूँ तभी मैं मेरे चैनल पर अनबॉक्स करके डालता हूँ। तो ये है कुछ अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इम्प्रेशंस आप कह सकते हैं। तो ठीक ठाक है फ्रेंड्स, 350-400 रुपये में ये ऑन ऑफ बटन भी है, इसको मज़े ले सकते हैं। तो इसकी डिटेल अनबॉक्सिंग वीडियो आ जाती फ्रेंड्स बहुत जल्द, और बहुत सारी वीडियोस मेरे चेकआउट कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव टेक अनबॉक्सिंग गेमिंग रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब हम करते हैं हमारा मेन प्रोडक्ट को अनबॉक्स, जो कि सब में महंगा वाला है। ये है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा नया माइक। अभी तक मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ माइक, बोया का BY-M1 माइक है जो कि केबल के साथ आता है, क्योंकि YouTube में ऑडियो क्लैरिटी इम्प्रूव करना ज़रूरी है हमेशा। तो इस प्रोडक्ट को मैंने मंगवाया है आप सबके लिए, बेसिकली जो भी मेरे YouTube के व्यूवर्स हैं उनके लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि ऑडियो क्लैरिटी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। जब भी मैं यूज़फुल व्लॉग्स बनाता हूँ तो तब मैं इसे यूज़ करूँगा, आने वाली वीडियोस में मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं BY-MM1+ माइक है ये। इसके अंदर अभी जो मैं राइट नाउ जो माइक यूज़ कर रहा हूँ बोया का BY-M1 माइक है, वो वायर के साथ आता ना, उसकी फ़ोटो डाल देता हूँ आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं। ज़्यादातर यूट्यूबर्स को मालूम ही है उसके बारे में, जो भी यूट्यूब स्टार्ट करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी वही माइक से स्टार्ट करते हैं। विदाउट ऑडियो क्लैरिटी YouTube में कोई भी वीडियो नहीं चलती हैं, तो मेरा मानना यही था। इसलिए मैं डे वन से जब वीडियोस बनाया तब से ही बोया का BY-M1 माइक से ही स्टार्ट किया मेरे चैनल को, तभी जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। बहुत खुशी की बात है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते बोया BY-MM1+। इसका लेने का रीज़न ये है, MM1 भी आता शॉटगन माइक, MM1 के अंदर आपको ऑडियो मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, इसके अंदर ऑडियो को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो पहले इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं, इस वीडियो में फर्स्ट इम्प्रेशन चेक कर लेते हैं क्या क्या हमें मिलता है, फिर इसकी डिटेल वीडियो आने वाली वीडियोस में मैं इसका ऑडियो क्लैरिटी BY-M1 के साथ जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वायर वाला उसके साथ, इसके साथ रॉ ऑडियो और प्रीमियर प्रो में ऑडियो को इन्हांस करे बाद कैसा अपडेट होता है क्या है पूरा चेक करेंगे। तो ये है आप देख सकते हैं शॉटगन माइक कुछ इस तरह से आता है। दिस इज़ माय फर्स्ट शॉटगन माइक फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर BY-MM1+ माइक है। ये है लाइन आउट, यहाँ से हमको माइक जाके DSLR में या मोबाइल में लगता है, यहाँ से हम ऑडियो को हेडफोन्स लगा के मॉनिटर कर सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते फ्रेंड्स इसके अंदर, हमको जब भी मॉनिटरिंग करते हैं ना रियल टाइम मॉनिटर नहीं होता, रिकॉर्ड हो गए बाद प्ले करें जब वो अपने को सुनने में आता। तो ये है इसका डेड कैट कुछ इस तरह बैठ जाता, आउटडोर जब यूज़ करते ना तो ये काम में आता फ्रेंड्स। इसके ऊपर ही दिया ऑलरेडी, ये मोबाइल के लिए काम आता माइक्रोफोन, एक कनेक्ट होता है BY-MM1 को और एक कनेक्ट होता है हमारे मोबाइल के अंदर।
तो ये जो आप देख रहे हैं ना ओलांजी का ST19, मैंने इसके लिए ही मंगवाया था कि यहाँ पर इस तरह से बढ़िया था। फिर ये टाइट कर देना, लाइक दिस, नाउ गुड टू गो। इस तरह से बढ़िया था ये। चलिए इसे भी बाजू रखते हैं। ये है DSLR के लिए केबल, एक लग जाती है बोया के माइक को और एक DSLR को। मोबाइल को यूज़ करें अब ये यूज़ करना है, और जब आप DSLR को यूज़ करते हैं ना तब इसे यूज़ करना है। और ये चीज़ ज़रूरी है फ्रेंड्स, सिलिकॉन जेल रस्ट को रोकता है, ये रस्ट को आने से बचाता है। और इसके अंदर मिलता है हमें एक प्यारा सा पाउच बोया की तरफ से, तो चलिए इसे भी अंदर रख देते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें यही 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आइटम मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं हूँ अपनी शॉप के अंदर। सॉरी, मैं एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। तो ये स्लीव्स को लेने का मेन रीज़न, ये आप देख सकते हैं, ये हैंड रेस्ट के ऊपर जब भी हाथ रखता था स्क्रैचेस और स्किन काला हो जा रहा था, तो इसकी वजह से मैंने लिया है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हाफ टी शर्ट ही पहनता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हैंड रेस्ट जब अपन यूज़ करते सिस्टम के ऊपर, जितने भी सिस्टम्स यूज़ करने वाले जिसका भी कंप्यूटर रिलेटेड काम है उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मस्त हम आराम से बाइक के हैंड रेस्ट का यूज़ करके काम कर सकते, कोई भी किस्म का स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसे आउटडोर भी, अभी समर ही है, आउटडोर भी यूज़ कर सकते जिससे आपका स्किन भी टैन होने से बच जाएगा। ओके तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वो स्लीव्स जो पहने बाद कुछ इस तरह से आपको दिखते हैं। मेरे को तो काफ़ी अच्छा दिख रहा, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया मैं पहन के, अभी तक वीडियोस बना रहा था। तो जैसे कि मैंने कहा तो वीडियो में आपको बताऊंगा लास्ट में। ये आप चेकआउट कीजिए, स्लीव्स कुछ इस तरह से ये दिखते हैं, बढ़िया। ओके तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बस वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरह की टेक अनबॉक्सिंग गेम एंटरटेनमेंट चैनल पर लेके आए तो मैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग कजिन्स टेक्नोलॉजी।